इंडियन प्रीमियर लीग का सीजन 16 यानी कि टाटा आईपीएल 2023 का फाइनल महामुकाबला आईपीएल की दो सबसे जबरदस्त और खतरनाक टीम के बीच खेला जाएगा, यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स बनाम गुजरात टाइटंस के बीच 28 मई 2023 संडे को यह महामुकाबला खेला जाएगा। सुपर संडे को ये दोनों ही टीम खिताब के लिए लड़ेंगी, जहां ये महामुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा, जो भारतीय समय अनुसार शाम को 7:30 बजे से ही यानी कि 7:30 PM से ये मुकाबला भी शुरू होने वाला है। अब ये मैच काफी ज्यादा ऐतिहासिक, काफी रोमांचक और जबरदस्त होने वाला है। जो टीम जीतेगी वो फाइनल मुकाबला जीतकर इतिहास सजेगी। जहां एक तरफ महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग्स की टीम है, जो क्वालिफायर वन मैच गुजरात टाइटंस के ही खिलाफ जीतकर फाइनल में पहुंची थी 15 रन के अंतर से, तो वहीं दूसरी तरफ है गुजरात टाइटंस की टीम। हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली ये टीम शानदार लय में चल रही है। अपना लास्ट मैच क्वालिफायर 2 मुंबई इंडियंस के खिलाफ 62 रन के बड़े अंतर से जीतकर आ रही है। वहीं आपको बता दें कि चेन्नई सुपर किंग्स की टीम आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा बार फाइनल में पहुंचने वाली टीम है। जी हां, ये टीम टोटल 14 ही सीजन खेली है, 2 सीजन ये टीम बैन थी, तो 14 सीजन में से ये टीम 10 बार फाइनल में पहुंच चुकी है और पिछले 9 फाइनल मुकाबलों में से ये टीम 4 फाइनल का खिताब जीत चुकी है और 5 फाइनल मुकाबला ये टीम हारी भी है। तो क्या चेन्नई सुपर किंग्स की टीम साल 2023 का ये फाइनल मुकाबला जीतकर 5वीं बार आईपीएल की चैंपियन बनेगी या फिर नहीं, इस वीडियो में आगे पूरी विस्तार से बताने वाले। तो वहीं गुजरात टाइटंस की टीम भी किसी से कम नहीं है, ये टीम अब तक टोटल 2 ही सीजन खेली और दोनों ही बार ये टीम फाइनल में पहुंची है और पिछले साल की ये चैंपियन है। तो डिफेंडिंग चैंपियन गुजरात टाइटंस की टीम क्या दोनों बार ये फाइनल का खिताब जीत पाएगी? अब गुजरात टाइटंस फिलहाल काफी शानदार और जबरदस्त फॉर्म में चल रही है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ऑरेंज कैप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज कोई और नहीं बल्कि गुजरात टाइटंस के बेहतरीन ओपनर बल्लेबाज शुभमन गिल हैं, जो अब तक आईपीएल 2023 में सबसे ज्यादा रन बना चुके हैं सभी बल्लेबाजों के मुकाबले। अब तक शुभमन गिल 851 रन बना चुके हैं और इनके पास है ऑरेंज कैप। तो वहीं पर्पल कैप में टॉप 3 गेंदबाज गुजरात टाइटंस के ही हैं, जहां पहले स्थान पर मोहम्मद शमी जो अब तक टोटल 28 विकेट ले चुके हैं, इनके पास पर्पल कैप है। 27 विकेट राशिद खान ले चुके हैं, 24 विकेट मोहित शर्मा ले चुके हैं। तो गुजरात टाइटंस के बल्लेबाज या फिर गेंदबाज दोनों ही काफी शानदार और जबरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं। तो सीएसके वर्सेस जीटी के बीच ऑलरेडी आईपीएल 2023 में 2 मुकाबले खेले जा चुके हैं। एक मैच गुजरात टाइटंस की टीम ने जीता है तो वहीं एक मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने जीता है, जहां ये दोनों टीम आईपीएल 2023 के पहले ही मुकाबले में आमने सामने हुई थी। तब वो मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया था और उस मैच को गुजरात टाइटंस की टीम ने जीत लिया था 5 विकेट के अंतर से। तो वहीं ये दोनों ही टीम दूसरी बार आमने सामने हुई थी सीजन क्वालिफायर 1 में, तब वो मुकाबला चेन्नई के चेपक के मैदान पर खेला गया था और सीएसके ने गुजरात टाइटंस को 15 रन के अंतर से हराया था। इस बार इस सीजन इन दोनों ही टीमों की ये तीसरी भिड़ंत होने वाली है, तो इस बार कौन सी टीम ये मुकाबला जीतने वाली है, फाइनल इनकाउंटर कौन सी टीम जीतेगी? अब इस वीडियो में आगे इस मुकाबले की मैच प्रीव्यू, पिच रिपोर्ट्स, हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की आखिर किसका पलड़ा भारी है और इस मुकाबले के लिए दोनों ही टीमों की कंफर्म प्लेइंग 11, इंपैक्ट प्लेयर्स, जबकि इस मुकाबले की मैच विन प्रेडिक्शन की बात करने वाले कि आखिर यह मुकाबला कौन सी टीम जीतने वाली है। अब पढ़ते हैं वीडियो की ओर। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट तो यह है कि 31 मार्च 2023 को आईपीएल 2023 का पहला मुकाबला खेला गया था गुजरात टाइटंस बनाम चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में और लगभग 2 महीने बाद 73 मैच के बाद हम वहीं पर आ गए जहां से आईपीएल शुरू हुआ था, यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस गुजरात टाइटंस के बीच खेला जाएगा आईपीएल 2023 का फाइनल मुकाबला। जहां से शुरू हुआ था वहीं पर अब जाकर खत्म होने जा रहा है और इस बार भी ये मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ही खेला जाएगा। अब चूंकि ये मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा तो बात करते हैं सबसे पहले पिच रिपोर्ट्स और कंडीशन के बारे में। तो इस सीजन आईपीएल 2023 में इस मैदान पर टोटल अब तक 8 आईपीएल मुकाबले खेले गए, जहां शुरुआत 3 मैचों में चेस करने वाली टीम को इस मैदान पर जीत मिली थी। तो वहीं आखिरी के 5 मैचों में डिफेंड करने वाली टीम ने लगातार 5 मुकाबले जीते हैं इस मैदान पर और गुजरात टाइटंस ने इस सीजन जो 8 आईपीएल मुकाबले अपने होम ग्राउंड पर खेले, इस टीम को 5 मैचों में शानदार जीत मिली है और 3 मैचों में हार का सामना करना पड़ा है। तो इस मैदान पर पहले इनिंग्स में बल्लेबाजी करने वाली टीम का रिकॉर्ड काफी शानदार और जबरदस्त है, खासतौर पर इस सीजन आईपीएल 2023 में, जहां ये पिच एक शानदार जबरदस्त बल्लेबाजी पिच के लिए जानी जाती है, साथ ही साथ तेज गेंदबाजों को भी
थोड़ी बहुत मदद मिलती है। और इस पिच का एवरेज स्कोर आईपीएल में 171 रन सा है। अब बात करें ओवरऑल रिकॉर्ड के बारे में, तो इस मैदान पर अब तक आईपीएल के इतिहास में टोटल 26 आईपीएल और डोमेस्टिक मुकाबले खेले गए, जिसमें पहले इनिंग्स में बल्लेबाजी करने वाली टीम को 12 मैचों में जीत मिली है, चेस करने वाली टीम को 13 मैचों में जीत मिली है, एक मैच टाई रहा है, जहां इस मैदान का सबसे हाईएस्ट स्कोर 233 रन है जो कि गुजरात टाइटंस ने बनाया था, और इस मैदान का सबसे लोवेस्ट स्कोर 102 रन है जो कि राजस्थान रॉयल्स की टीम ऑल आउट हो गई थी। अब बात करें हेड टू हेड रिकॉर्ड्स के बारे में, तो इन दोनों टीमों के बीच अब तक आईपीएल के इतिहास में टोटल 4 आईपीएल मुकाबले खेले गए, 3 मैचेस गुजरात टाइटंस ने जीते और एक मैच चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने जीते। तो हेड टू हेड रिकॉर्ड्स में गुजरात टाइटंस का पलड़ा काफी भारी दिखाई दे रहा है। अब चलिए बात करते हैं इस मुकाबले के लिए दोनों टीमों की प्लेइंग 11, तो कुछ इस तरह से होगी चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग 11। सलामी जोड़ी के तौर पर नंबर 1 पर रोहित ऋतुराज गायकवाड़, नंबर 2 पर डिवॉन कॉनवे जो कि काफी शानदार फॉर्म में चल रहे हैं, ये दोनों ही करेंगे पारी की शुरुआत। नंबर 3 पर अजिंक्य रहाणे, नंबर 4 पर शिवम दुबे, नंबर 5 पर अंबाती रायडू, तो वही नंबर 6 पर मोइन अली जबरदस्त ऑलराउंडर, नंबर 7 पर रविंद्र जडेजा हरफन मौला खिलाड़ी, नंबर 8 पर महेंद्र सिंह धोनी चेन्नई सुपर किंग्स के जबरदस्त कप्तान और विकेट कीपर बैट्समैन, जबकि नंबर 9 पर दीपक चहर होंगे तेज गेंदबाज जो काफी शानदार जबरदस्त गेंदबाजी करा रहे हैं खासतौर पर पावर प्ले में, तो वही नंबर 10 पर होंगे तुषार देश पांडे, नंबर 11 पर महेश दीक्षाना। तो ये रही चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग 11, जहां ये टीम गेंदबाजी के समय एज ए इंपैक्ट प्लेयर यूज करने वाली है मथीसा पथिराना को, यानी कि मथीसा पथिराना भी ये मुकाबला खेलने वाले हैं सीएसके के लिए। अब बात करें इस मैच के लिए गुजरात टाइटंस की प्लेइंग 11, तो सलामी जोड़ी के तौर पर नंबर 1 पर होंगे विद्यमान साहब विकेट कीपर बैट्समैन, नंबर 2 पर शुभमन गिल होंगे जो कि शानदार जबरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं, जो अब तक इस सीजन आईपीएल 2023 में टोटल 3 सेंचुरी 3 शतक लगा चुके हैं, नंबर 3 पर होंगे साई सुदर्शन, तो वही नंबर 4 पर कप्तान हार्दिक पांड्या और जबरदस्त ऑलराउंडर, नंबर 5 पर विजय शंकर, जबकि नंबर 6 पर डेविड मिलर, जबकि नंबर 7 पर होंगे राहुल तेवटिया, नंबर 8 पर राशिद खान करामाती खान, नंबर 9 पर मोहम्मद शमी एक्सपीरियंस फास्ट बॉलर, नंबर 10 पर मोहित शर्मा जिन्होंने पिछले मैच में 5 विकेट छटकाया था, और नंबर 11 पर होंगे नूर अहमद युवा स्पिनर। तो यदि गुजरात टाइटंस की प्लेइंग 11 इस मुकाबले के लिए, जहां ये टीम एज ए इंपैक्ट प्लेयर यूज करने वाली गेंदबाजी के समय जोशुआ लिटिल को, यानी कि जोशुआ लिटिल भी ये मैच खेलने वाले हैं। अब बात करें इस मुकाबले की मैच विन प्रेडिक्शन के बारे में, आखिर ये मुकाबला कौन सी टीम जीत सकती है, तो इस मुकाबले को लेकर हमारी प्रेडिक्शन ये है कि ये मुकाबला गुजरात टाइटंस की टीम जीत सकती है। फिलहाल गुजरात टाइटंस की टीम काफी शानदार और जबरदस्त लय में दिखाई दे रही है। अभी हमारी सिर्फ एक प्रेडिक्शन है जो सच या फिर गलत हो सकता है, इसमें कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। अब महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली टीम को भी हल्के में नहीं ले सकते हैं, उनके पास भी काफी दमखम है, काफी एक्सपीरियंस टीम है।